तो स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छी गाड़ी मैंने नहीं चलाई है। जिस तरीके से इसका गियर बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आई विल से इट इज़ स्टिल अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कार चलाने में, एक ओल्ड स्कूल इफेक्ट देता है और काफ़ी ज़्यादा रॉ और प्रीमियम लगता है। तो काफ़ी सारे हेटर्स ये कहेंगे कि पावर टू वेट रेशो की वजह से है। सो अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी एक मेजर पॉइंट है जो जिस वजह से लोग मारुति सुजुकी से दूर जा रहे हैं आज के टाइम पे। चलाएगा ना कहेगा होंडा सिटी कुछ नहीं है इसके आगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है श्रेय खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नया वीडियो। रिसेंटली हमने चलाई द मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 मॉडल एंड आई मस्ट से ये एक अपनी ही लेगेसी कैरी ऑन कर रही है। 2005 में फर्स्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट आई थी जिसके हम भी प्राउड ओनर्स थे कुछ साल पहले तक, अभी हमने सेल ऑफ कर दी है। और 20 साल से ये कार एक अपनी ही लेगेसी क्रिएट कर रही है, एक प्रॉपर नीच बना दिया हैचबैक्स में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हैचबैक्स में स्विफ्ट को पसंद करते हैं। तो देखते हैं चला के कार कैसी लगती है, क्या जो लेगेसी इसने मेंटेन करी हुई है पिछले 19 सालों से, क्या वो 2024 स्विफ्ट में कैरी ऑन कर पाती है मारुति सुजुकी के नहीं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो शुरू करते हैं एक्सटीरियर्स के साथ। इस स्विफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस स्विफ्ट्स के डिजाइन्स को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जो एक कर्वी और मैस्कुलिन टाइप डिजाइन था हैचबैक सेगमेंट्स में बात करें वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस नेक्स्ट जेन स्विफ्ट में भी। अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो 3860 mm की लेंथ मिल जाती है, विड्थ एट 1735 mm एंड हाइट एट 1520 mm। अगर मैं बात करूँ सामने के डिज़ाइन की तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। लाइट्स के साथ थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, चेंज किया गया है ओल्डर रनिंग हेडलैम्प्स का शेप और स्टाइल चेंज किया गया है। स्विफ्ट का लोगो पहले एक ग्रिल पे आता था, वो अब बोनट पे आने लगा है। अगर बात करें बोनट की तो थोड़ा सा साइज कम किया गया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्विफ्ट। वो किया गया है क्योंकि गाड़ी अब 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर हो चुकी है, जिस वजह से बोनट का साइज थोड़ा सा कम किया गया है, इंजन का साइज क्योंकि कम हुआ है। रियर लुक्स की बात करें तो लाइट्स के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्विफ्ट। LEDs आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे इस कार में। अगर इस कार की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm की मिल जाती है आपको। वेट की अगर बात करें तो पिछली गाड़ी से 50 किलो वेट बढ़ा दिया गया है इस कार में, 925 किलो का वेट आ गया है इस कार में। और इसी के साथ साथ अभी हम सेफ्टी में और भी बात करें क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपको मिल गई हैं इस कार में, जिस वजह से इस कार थोड़ी सी ज़्यादा सेफ बन जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्विफ्ट। इसके अलावा अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में आपको मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग डैशबोर्ड, बहुत ही नया और स्टाइलिश डिज़ाइन लगा मेरे को डैशबोर्ड का, जिस तरीके से ओवल लाइक सर्कल्स हैं प्लास्टिक्स में इन द फ्रंट डैशबोर्ड ऑन द पैसेंजर साइड, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। इसके अलावा बात करें अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो आपको एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और बीच में आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऑल दो आज के टाइम में कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की तरफ, बट आई पर्सनली लाइक द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक ओल्ड स्कूल इफेक्ट देता है और काफ़ी ज़्यादा रॉ और प्रीमियम लगता है। इस कार में अगर बात करें फीचर्स की तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री एंड एग्जिट मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, रियर कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस कार को बना देते हैं। तो अगर बात करें कंफर्ट की, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी जो बहुत ज़्यादा वाइड या ब्रॉड नहीं है, बट अगर आप थोड़े से ब्रॉड हैं या फिर हेल्दी हैं तो आपको डेफिनेटली इसकी बकेट सीट्स थोड़ी सी टाइट लगेंगी, ऐसा लगेगा बकेट सीट्स थोड़ा पहले जो है यू नो क्लोज डाउन हो रही हैं। हमारे पास जो फर्स्ट जेन स्विफ्ट थी उसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड थी, काफ़ी ब्रॉड लोग भी बैठे थे और वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल करते थे, बट अगर इस स्विफ्ट की मैं बात करूँ तो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा छोटी कर दी गई हैं सीट्स। वाइड विड्थ की बात करें तो काफ़ी कम हो गई है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी और कुछ लोगों को इसकी सीट्स थोड़ी सी टाइट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेंगी। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। 1.2 लीटर का इंजन आता है इस कार में, जो कि अब 3 सिलेंडर में रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 4 सिलेंडर आते थे, अब 3 सिलेंडर आते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं 80 हॉर्स पावर एंड 111 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क।
तो अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की कैसी है कंपेयर टू द प्रीवियस स्विफ्ट, आई विल से इट इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा मजा आता है कार चलाने में। परफॉर्मेंस ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक हैचबैक चला रहे हो जिसका 1200 सीसी का इंजन है। तो काफी सारे हेटर्स ये कहेंगे कि पावर टू वेट रेशो की वजह से है, पावर अच्छी बनाते हैं एंड वेट गाड़ी का कम है, इसलिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लगती है ये। बट आई विल स्टिल से अगर आप परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं तो ये कार काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप अंडर 10 लाख के बजट में गाड़ी देख रहे हैं जिसमें डिसेंट इनफ फीचर्स हों, आपको एक परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है और एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार चाहिए, तो डेफिनेटली स्विफ्ट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर राइट नाउ। ऑफकोर्स अगर आप न्यू कार ले रहे हैं, सेकेंड हैंड मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। 10 लाख के बजट में स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छी गाड़ी आई डोंट थिंक पर्सनली मैंने चलाई है। किया सोनेट की बात कर ले, बलेनो की बात कर ले, फ्रॉन्क्स की बात कर ले, इसी ब्रांड के और गाड़ियों की भी बात कर लें तो स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छी गाड़ी मैंने नहीं चलाई है। जिस तरीके से इसका गियर बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस ड्राइविंग होती है। आई पर्सनली हैव ड्रिवन होंडा सिटी, i10 और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हमने चलाई हुई हैं। हमने जो खुद भी स्विफ्ट रखी थी उसका भी गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। इस वाले का उतना स्मूथ नहीं है ऑल्दो, बट जो एक प्रॉपर स्टेयरिंग से फीडबैक मिल रहा था, एक गियर बॉक्स की स्मूथनेस थी, दैट वॉज जस्ट ऑन अनदर लेवल। तो अगर आपको एक चाहिए डिपेंडेबल इंजन जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं सालों साल के लिए, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल आता है 10 लाख के अंदर के बजट में। सो अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी एक मेजर पॉइंट है जो जिस वजह से लोग मारुति सुजुकी से दूर जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा 50 किलो से इसका वेट बढ़ा दिया गया है। जो थर्ड जेन स्विफ्ट थी और अब जो फोर्थ जेन स्विफ्ट आई है, 50 केजीज का डिफरेंस एक मार्जिनली इम्प्रूव्ड है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्विफ्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस द स्विफ्ट रेंज। इवन आप अगर बेस मॉडल लेते हैं जो कि करीब 8 लाख के करीब का आ जाता है, उसमें भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। एंड इवन आप अगर टॉप मॉडल पे जाएंगे जो करीब करीब 10.5 लाख का आता है, उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। सो आपको अगर गाड़ी चाहिए, एक सेफ गार्ड चाहिए, तो स्विफ्ट ने थोड़ा सा तो काम किया है। आई वोंट से इट इज द बेस्ट इन सेगमेंट, इससे बेटर ऑप्शंस डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इन्हीं की रेंज की बात करूं तो फ्रॉन्क्स एक बहुत ही ज़्यादा सेफ कार मेरे को लगी। हमने रिसेंटली फ्रॉन्क्स भी चलाई थी और उसके बारे में मैंने बताया था कि उसके डोर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। मैंने बोनट को उठा के देखा, मैंने डिक्की को उठा के देखा, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगे मेरे को एंड चलाने में भी थोड़ी सी ज़्यादा सॉलिड और रगेड लगती है। अगर बात करें 2024 में स्विफ्ट एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है कि नहीं 10 लाख के बजट में, आई विल से इट इज़ अ नो नॉनसेंस ऑप्शन। डेफिनेटली आप जा सकते हैं। हैचबैक अगर आपको चाहिए, एक बढ़िया रिलायबल इंजन चाहिए जो कि 12-15 साल आपको कोई प्रॉब्लम दिए बिना चलेगा, तो स्विफ्ट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। मैंने अपनी पर्सनली स्विफ्ट 12 साल चलाई थी एंड आई वाज अ डाई हार्ड फैन फॉर इट। हमारे को कुछ रीजन से बेचनी पड़ी वो, बट बहुत ही मज़ा आता था वो कार चलाने में। एक अलग ही परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट के लिए कार बनी है वो। एंड हैचबैक है तो दिल्ली की रोड्स में या फिर अगर आप सिटी एरिया में चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसको, अगर आप इंथुजियास्ट हैं तो। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एक इंथुजियास्ट हैं, आपको माइलेज अच्छी चाहिए, 25 के अराउंड की माइलेज मिल जाती है आपको इस कार में, क्लेम्ड माइलेज के आसपास ही रहता है जो एक्चुअल माइलेज होता है, 22 से 25। सो माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। वीकेंड्स में अगर आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है तो फैमिली ओरिएंटेड कार उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट इट विल डू द जॉब राइट इनफ फॉर यू। सो अगर बात करें गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, आई विल से डेफिनेटली गो फॉर दिस कार, बहुत ही बढ़िया कार है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट डाउन कर दीजिए, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन एंड दैट वॉज इट फ्रॉम आर साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ जो स्विफ्ट लेना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दैट वॉज योर होस्ट श्रेय खट्टर टेकिंग ऑफ। बाय बाय। LEDs आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे इस कार में, ठीक है।
जो कि इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं ठीक ही है। कार्ड फ्लैश ऑफ करते हैं। और कुछ रहा?